हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु अग्निहोत्री है और मैं इंदौर से ही हूँ और मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मैं सिंगल हूँ। मेरे सिंगल होने के पीछे का कारण ये है कि मैं जॉइंट फैमिली से और मेरा टॉपिक यही है। तो मैं टॉपिक बोलने के पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मुझे अभी वापस मेरे घर जाना है, है ना। अब हमारे यहाँ क्या रहता है कि मतलब मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और फिर मैं मेरे घर का सबसे छोटा मेंबर हूँ, और अगर आप अपने घर के सबसे छोटे मेंबर हो ना तो आपकी वैल्यू जो है वो उस एलेक्सा स्पीकर की तरह है जिसको सबकी सुनना भी है और बजना भी है, वो भी जोरों से। अब हमारे यहाँ क्या रहता है कि छोटे लड़कों को जब तक जॉबलेस रहते हैं तो उनकी जिंदगी की गाड़ी जो है ना वो सब्जी मंडी से शुरू होती है और आटा चक्की पे जाके खत्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ काम रहते हैं हमारे लिए, जैसे कि गर्मी के दिनों में कूलर में पानी भरना और पानी की मोटर लगा के आना। हमारे परिवार वालों की नजर में हम सबसे आवारा रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या रहता है कि अगर आप सबसे छोटे हो और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप को भी लेके बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज में प्यार तो बहुत रहता है, बट उस प्यार को क्या रहता है ना, बाहर बांटने की परमिशन नहीं रहती है। हम लोग जो है मतलब हमको सबसे ज़्यादा डर यही रहता है वैलेंटाइंस डे और फ्रेंडशिप डे पे किसी लड़की के साथ हैंगआउट पे जाने का। हमको बजरंगदल और हिंदूसेना वालों का इतना डर नहीं रहता क्योंकि हमको मालूम है कि वो तो सिर्फ वहीं पर ही मारेंगे, लेकिन अगर हमारे पापा ने हमको गलती से देख लिया ना वो वहाँ पे भी मारेंगे और घर ले जाके भी मारेंगे। वो घर ले जाके वो इतना मारेंगे मतलब जैसे कि घर वो तो मारेंगे, घर वाले साथ में मारेंगे और ऐसे मारेंगे जैसे कि कोई अलकायदा का आतंकी पकड़ाया हो। और फिर एक मन में एक कन्फ्यूजन सा उठता है, घर वालों से पूछना पड़ता है मैं तुम्हारा ही खून हूँ ना, इस हिसाब से मार रहे हो मुझे, मैं तुम्हारा ही खून हूँ ना, यहाँ पे मेरा फ्रेंड बेटा है हर्ष, ये देवास से है, ये इंदौर में किसी लड़की के साथ पकड़ा गया, इसके पापा ने इसको यहाँ तो खून मारा, घर ले जाके भी खून मारा। तो इसने पूछा, बोले पापा आप मेरे को यहाँ तो मार रहे हो, वहां घर ले जाके क्यों मार रहे हो, बोले बेटा असली मजा तो सबके साथ आता है। इसके घर वाले एक चीज से परेशान है कि इसके मोबाइल में इसकी जान है। और मतलब जैसा कि एक चीज और रहती है कि मतलब हमारे यहाँ पर फैमिलीज में लव मैरिज और जॉइंट फैमिलीज में प्रॉब्लम रहती है इन सब चीजों को लेकर। आप किसी लड़की से अपने घर वालों के सामने पूछ लो हम आपके हैं कौन, पूरा घर वाले आपको हम साथ साथ दिखा देंगे। फिर आपकी जिंदगी हो जाएगी वीराना, वो घर वाले लगने लगे पत्थर के फूल। पत्थर के फूल लगने लगेंगे और फिर एक दोस्त होता है हमारी जिंदगी में जिसकी हमारे ऊपर रहती है मेहरबानियाँ। और अंत में दो लाइनें बोलना चाहूँगा मैं, जो गलती ना होने पर भी हर सिचुएशन में हमारी मार लेते हैं, जो गलती ना होने पर भी हर सिचुएशन में हमारी मार लेते हैं, मेरे दोस्तों उसी को संयुक्त परिवार कहते हैं। तो चार लाइनें और बोलना चाहूँगा, मैटर होने से पहले ही मैटर सॉल्व किए बैठे हैं, मैटर होने से पहले ही मैटर सॉल्व किए बैठे हैं, हम समझदार हैं जो अपनी कास्ट में प्यार किए बैठे हैं। थैंक यू।